कैथल में आज आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने कैथल के सचिवालय में धरना दिया और प्रदर्शन किया। सरकार विरोधी नारे लगाए। पत्रकारों से बात करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर नेताओं ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर विभागों के अधिकारियों द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए दबाव बना रही है और आदेश आया है कि मार्च 2021 से हमारा वेतन ऐप डाउनलोड करने और डाटा अपलोड करने से जुड़ा हुआ है। हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा वेतन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम कविता है जी। मैं जिला कमेटी की सदस्य हूँ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की। सर आज हमारी मेन मांग है जो यही है भाई, जो पोषण ट्रैक ऐप डाउनलोड करने के बारे में सरकार बार बार दबाव बना रही है वो हम सहन नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ये डाउनलोड करवाना है तो हमें पहले फ़ोन दिया जाए और रिचार्ज करिए का भी पैसा खर्च दिया जाए। वैसे नहीं है कि वो कह दिया और वर्करें काम करने लग जाएंगे। हम ये नहीं कहते हम काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, दिल से करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने पहले हमें फ़ोन देना पड़ेगा और उसका रिचार्ज खर्चा देना पड़ेगा। और क्या मांग है? और जो ये मानदेय के बारे में है, जो सरकार बार बार अखबार में निकाल रही है कि मानदेय दे दिया गया है, खातों में डाल दिया गया है, लेकिन हमारे पास कोई भी पैसा नहीं आया है। वो जो मानदेय है बकाया ही है, अभी तक किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया है, वो 6 महीने से बकाया है। अगर हमारी मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो हम आज तो ये सांकेतिक धरना कर रहे हैं और हो सका तो हम लगातार धरना भी जारी कर सकते हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। मेरा नाम नीतू है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला की सेक्रेटरी हूँ। जो आज का प्रदर्शन है हमारा, जो मेन मुख्य मांग है वो है हमारी पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर। जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी है उन्होंने सभी राज्य मंत्रियों को लेटर लिखा है कि सभी वर्करों के द्वारा फ़ोन में ये पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करवाई जाए। जो भी वर्कर ये ऐप डाउनलोड नहीं करेगी उस वर्कर की सैलरी रोक ली जाए और जो उसके सेंटर में लाभार्थी हैं उनको राशन ना दिया जाए, उपलब्ध ना करवाया जाए। तो हम जो केंद्रीय मंत्री का लेटर है उसका बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल हम ये काम करने से मना नहीं कर रहे, हम कहते हैं हम काम करेंगे, पोषण ट्रैकर ऐप भी डाउनलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें विभाग द्वारा सरकारी फ़ोन दिए जाएँ और उसमें सरकारी रिचार्ज करवाया जाए और हमें उसकी ट्रेनिंग दी जाए। हम सभी काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन तानाशाही से नहीं, प्यार से और समझदारी से काम करेंगे हम। और इसके अलावा क्या मांग है? और हमारी आज की जो मुख्य मांग है यही मांग है हमारी जी। और क्या मांग है? हमारी ये मांग है जो अभी अभी अखबार में निकलवाया राज्य मंत्री ने कि जो 5 महीने का हमारा बकाया मानदेय है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमें दिया जाता है मोदी सरकार के द्वारा 3,000 रुपये पर माह, वो हमें 6 महीनों से नहीं मिल रहा है, 6 महीनों से बकाया पड़ा है। कि जो हमारी राज्य मंत्री है कमलेश डांडा ने उन्हें अखबार में निकलवा तो दिया कि खातों में भेज दिया गया, लेकिन अब तक हमारे खातों में कोई पैसा नहीं आया उस सैलरी का। तो हमारी ये डिमांड है कि भेजने से पहले सरकार करे और फिर अखबार में निकलवाए ताकि हमें भी ये कि सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। मौजूदा हालातों ते नज़र मारिए तो इंसान तरह तरह दीआं बीमारियां नाल जूझ रहा है। इंसान बीमारियां तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह के उपराले भी करता है और जिमें तुहाडे दुखां नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया। तो हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानूं दुखां तो नजात दवाउण लई हाज़र है, फीर लीफ पावर, जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमजोरियां नूं दूर किया जा सकता है, जिमें मरदाना कमजोरी, अंतरियां दी सोजिश, पेशाब विच जलन, दिल दी कमजोरी, खून दी कमी अते दिमाग नूं तेज़ करता है। अलग अलग लैबोरेटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है और जिस दे विच कई तरह दीआं आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह दे पसम मिला के तैयार किया गया है। वह नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। जो नौजवान मरदाना कमजोरी नाल जूझ रहे ने वो हुण फीर लीफ पावर का इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मरदाना ताकत नूं हासिल कर सकते ने। ये मेडिसन 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तुसी वधेरे जानकारी लई संपर्क कर सकते हो 94784-8487।